गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज सेकेंड लेक्चर ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग, जिसमें कि हम लोग यूनिट 3 का ही जो सेकेंड पार्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो डिस्कस करेंगे. ओके, सो दिस इज आवर टॉपिक एशियन डेवलपमेंट बैंक. एशियन डेवलपमेंट बैंक नाम से पता चल रहा है, दिस इज मेनली मेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एशियन कंट्रीज, यानी कि एशियन कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए इस पर्टिकुलर बैंक को स्टैब्लिश करा गया था, जिससे कि जो भी या मतलब जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस है या जो रीजनल फाइनेंशियल असिस्टेंस है एशियन कंट्रीज को, वो प्रोवाइड करा जा सके, उसको एशियन डेवलपमेंट बैंक उसके लिए स्टैब्लिश हुआ था. सो एशियन डेवलपमेंट बैंक वॉज स्टैब्लिश ऑन 19 दिसंबर 1966. ये आपको डेट याद रखनी है कि इट वॉज स्टैब्लिश ऑन December 19, 1966. The aim of this bank was to accelerate economic and social development in Asia and Pacific region. यानी कि एशिया और उसके रिलेटेड जितने भी रीजन है वहाँ पर इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की प्रोग्रेस के लिए या फिर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए इस पर्टिकुलर बैंक को स्टैब्लिश किया गया. द बैंक स्टार्टेड इट्स फंक्शनिंग ऑन January 1, 1967. बैंक ने अपने जो फंक्शन स्टार्ट करें, मतलब कि स्टैब्लिश करा गया था 66 में, बट फंक्शन स्टार्ट हुए 1967 में. इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस, और चेयरमैनशिप इज ऑलवेज गिवन टू जापानीज एंड 3 डिप्यूटी चेयरमैन बिलोंग टू USA, यूरोप एंड एशिया. इसकी जो चेयरमैनशिप है वो हमेशा जापानीज को दी जाती है, ये आपको याद रखना है. 3 डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं जो कि एक USA से, एक यूरोप से और एक एशिया से बिलोंग करते हैं. सो जैसा सबको समझ में आ गया होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक मेनली एशियन कंट्रीज के लिए स्टैब्लिश हुआ था. ये पर्टिकुलर इसलिए मतलब स्टैब्लिश हुआ है सो दैट द की इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सर्विस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी मेड पॉसिबल. इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए. सोशल सर्विसेज और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ADB को स्टैब्लिश करा गया. तो अब हम आगे देखते हैं कि मेनली इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे या क्या हैं. फर्स्टली, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प द मेंबर कंट्रीज इन द काउंटरिंग पॉवर्टी. यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जितनी भी उसकी मेंबर कंट्रीज हैं उनकी पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक को स्टैब्लिश किया गया था, जो कि आगे लिखा है, हेंस इट हेल्प्स देम इन पॉवर्टी रिडक्शन एंड कंट्री डेवलपमेंट. पॉवर्टी, जैसे कि आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज हैं, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती है, बहुत ज़्यादा दिखती है. तो इन सारी चीज़ों को इरेडिकेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपने आप को स्टैब्लिश करवाया था. इफ बोथ द सोशल एज वेल एज द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ अ कंट्री इज राइजिंग देन इट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ. वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प द कंट्रीज टू गो टूवर्ड्स द इकोनॉमिक ग्रोथ. यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये भी एम था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक का मतलब रिलेटेड टू मनी, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर की हैं और भी चीज़ें हैं जिनसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो इन्वॉल्व होती हैं, इकोनॉमी में रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करिए, सारी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना सो दैट इकोनॉमिक लेवल इंक्रीज हो और इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ वो पर्टिकुलर कंट्री जाए. सो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू सपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट का, या पर्टिकुलरली जितनी भी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है एशियन कंट्रीज में उनका डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट. नेक्स्ट, दे बिलीव इन प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और प्रिजर्व करना, इसके लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस ADB अपनी कंट्रीज को प्रोवाइड कराती है. लास्टली, दे वर्क एंड विश टू कंटिन्यू वर्किंग टूवर्ड्स एम्पावरिंग वीमेन एंड इम्प्रूविंग देयर स्टेटस इन सोसाइटी. वीमेन एम्पावरमेंट और सोसाइटी में उनका जो स्टेटस है वो इम्प्रूव हो, इसके लिए भी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपने ऑब्जेक्टिव सेट करके रखे हैं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक, इकोनॉमिक एंड सोशल एडवांसमेंट. ये फर्स्ट पॉइंट है. दिस बैंक हैज अ मेंबरशिप प्रोग्राम अंडर विच दे आर वेरियस बेनिफिट्स अवेलेबल फॉर द मेंबर कंट्रीज. दीज बेनिफिट्स इंक्लूड प्रोवाइडिंग लोन एंड इन्वेस्टमेंट एट अ कंसेशनल रेट. सबसे पहले हम लोग ये मीनिंग समझ रहे हैं क्या लिखा है यहाँ पे. इकोनॉमिक एंड सोशल एडवांसमेंट. एडवांसमेंट कैसे आता है? जब किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का डेवलपमेंट हो, यानी कि एडवांसमेंट वर्ड यहाँ पे जो यूज़ हुआ है दैट मीन्स डायरेक्टली रिलेट टू डेवलपमेंट. इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करेंगे तभी तो एडवांसमेंट आएगा. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बैंक की मेंबरशिप है अंडर वेरियस बेनिफिट्स,
यानी कि जो अपने वो अपने मेंबर कंट्रीज को प्रोवाइड करती है, क्या क्या प्रोवाइड करती है। फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग लोन एंड इन्वेस्टमेंट एट कंसेशनल रेट, मतलब बहुत महंगे लोन प्रोवाइड नहीं करती है। अफोर्डेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है। वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द ADB इज टू प्रोवाइड लोन्स एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल अपग्रेड ऑफ डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज। वही सेम चीज़ है जो अभी तक हम लोग ऑब्जेक्टिव से पढ़ते आ रहे हैं, वही बता रही है कि ADB लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड करती है जिससे कि जो उसकी मेंबर कंट्रीज है उनका इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हो सके। अपग्रेड का मतलब जो भी है उनका जो भी लेवल है या जो भी स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड हर साल इंक्रीज करता जाए और प्रॉपर वो डेवलपमेंट मोड पे आ सके। सेकेंड क्या है, टेक्निकल असिस्टेंस। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज रिक्वायर अ लॉट ऑफ सर्विसेज लाइक एडवाइजरी सर्विसेज। मोर ओवर दे वाइल ऑपरेटिंग एट द इंटरनेशनल लेवल मोस्ट ऑफ द कंट्रीज रिक्वायर टेक्निकल सपोर्ट टू। सीधी सी बात है भाई, आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है तो हर किसी को टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत होती है। तो वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक इज टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर द प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड एडवाइजरी सर्विसेज। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स जो कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, यानी कि जैसे अभी पहला हमने जो पॉइंट पढ़ा इकोनॉमिक और सोशल एडवांसमेंट कैसा होगा, जब कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डिसाइड करे जाएंगे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, किसी भी फॉर्म में डेवलपमेंट होगा, तो उस डेवलपमेंट को भी हेल्प देने के लिए टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, अलग अलग सर्विसेज की ज़रूरत होती है। तो जब तक किसी के पास टेक्निकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सपोज पैसे नहीं होंगे, जैसे कि लोन प्रोवाइड करिए या फिर अलग अलग चीज़ें नहीं होंगी जिससे कि वो अपने ऑपरेशन को फुलफिल कर सके, तो उसके लिए टेक्निकल असिस्टेंस भी ADB प्रोवाइड करती है जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि वो मार्केट में अपने आप को या ग्लोबली अपने आप को स्टैंड कर सके। नेक्स्ट फंक्शन इज इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। Firstly, the Asian Development Bank provides a lots of services to the member countries in the form of investment. At the same time, they also provide some specific sort of investment facility for development purposes. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बैंक इन्वेस्टमेंट भी प्रोवाइड करता है और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने की भी कोशिश करता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज कौन कौन से डेवलपमेंट पर्पज के लिए देता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एनवायरमेंट के लिए, रीजनल कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन के लिए, फिनेंस सेक्टर डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए या इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एशियन डेवलपमेंट बैंक करता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज सपोर्ट इन पॉलिसीज एंड प्लान्स। प्लान्स एंड पॉलिसीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनी कंट्री। There are various domestic agencies providing help to the authorities while framing various policies. Plans and policies, सबको पता होगा हर कंट्री में बनती हैं। तो सीधी सी बात यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बहुत सी ऐसी domestic agencies हैं जो कि help provide करती हैं authorities को जब वो अपनी policies बनाए। तो यानी कि agencies किसकी हैं, Asian Development Bank की हैं, हर उसकी member country को वो उसकी policy frame करने में help करता है। But आगे देखो क्या लिखा है, but there is a need for some international agencies at the same time for the same function. One of the main functions of ADB is to provide help to the member countries in framing policies and plans at the international level. यानी international level पे ADB as an agency काम करती है और सारी countries में help करती है कि वो अपनी policies को frame out कर सके। So this is next topic, ये बहुत important है। इसमें ये बताया जा रहा है कि ADB अपनी assistance यानी financial assistance किन किन form में provide करती है। So first is ordinary capital resources. These are a collection of funds available for ADB's lending operations replenished by borrowings from the world's capital market. यानी ये वो particular fund है, वो collection of fund है जो कि ADB उधार देने के लिए यानी कि लेंड करने के लिए यूज़ करती है। और ये कहाँ से होती है बोरोइंग्स, फ्रॉम द वर्ल्ड्स कैपिटल मार्केट। वर्ल्ड में कैपिटल मार्केट से ये उधार लेती है और इसको इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्ट मतलब इन द फॉर्म ऑफ लेंड, लोन प्रोवाइड करती है अपनी मेंबर कंट्रीज को। ये क्यों ऑर्डिनरी कैपिटल रिसोर्सेज क्यों इशू करे जाते हैं, फॉर कवरिंग एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एजुकेशन, एनर्जी, फिनेंस, हेल्थ एंड सोशल प्रोटेक्शन, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मल्टी सेक्टर एंड वाटर सप्लाई एंड अदर म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज।
यानी कि आपको समझ में आ गया होगा जितनी भी मेन चीज़ें किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं, वो सारी चीज़ों को कवर करने के लिए जो लोन दिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज ऑर्डिनरी कैपिटल रिसोर्सेज। सो नेक्स्ट इज एशियन डेवलपमेंट फंड। अब ये फंड देखो क्या होता है, फंडेड बाय एडीबीज डोनर मेंबर कंट्रीज, डोनर मेंबर कंट्रीज यानी कि जो डोनेट करती हैं उनसे फंडेड होता है ये। ADF offers loan at very low interest rates and grants that helps reduce poverty in ADB's poorest borrowing countries. यानी कि donor member countries invest करती हैं एक तरीके से, मतलब donate करती हैं, sorry यहाँ पे invest word हम लोग use नहीं करेंगे, donate करती हैं। और ADB क्या करता है, loan offer करता है उन countries को जो कि बहुत ज़्यादा गरीब है, मतलब वो member countries जो कि पुअरेस्ट हैं बोरोइंग कंट्रीज, मतलब जो कंट्रीज लोन ले रही हैं उनमें जो सबसे गरीब है या मतलब बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप कंट्रीज हैं। सो अब यहाँ पे देखना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इसके अंदर आती हैं। एक्टिविटीज सपोर्टेड बाय द ADF प्रमोट पॉवर्टी रिडक्शन, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करती है, तो पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द पुअरर कंट्रीज ऑफ एशिया एंड पैसिफिक रीजन, यानी कि इन सारे रीजन्स में पॉवर्टी को रिड्यूस करना और क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और वे ऑफ लिविंग द लाइफ को अच्छा करने के लिए ADB इस पर्टिकुलर फंड को यूज करता है। नेक्स्ट इज इनोवेशन एंड एफिशिएंसी इनिशिएटिव। ये क्या पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाकी से अलग है थोड़ा। इन 2005 न्यू फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड मॉडलिटीज वर इंट्रोड्यूस्ड अंडर द IEI। फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड मॉडलिटीज का मतलब यहाँ पे ये है कि नए नए मेथड्स को लाया गया, ADB ने नए नए मेथड्स को इंट्रोड्यूस करा जिससे कि वो हर कंट्री में अच्छे से डेवलपमेंट को मोबिलाइज कर सके। इसका मेन जो एम है वो ये है टू स्ट्रेंथ द कैपेसिटी ऑफ टू मोबिलाइज डेवलपमेंट फाइनेंस एंड नॉलेज फॉर इट्स डेवलपमेंट मेंबर कंट्रीज। यानी कि इसका मेन एम क्या है कि वो स्ट्रेंथ करे, यानी कि ताकत दे, वो कैपेसिटी बढ़ाए जिससे कि डेवलपमेंट के लिए नॉलेज प्रोवाइड कर सके, यानी कि कैसे पॉलिसीज बनानी है, कैसे क्या क्या चीज़ें सोचनी है हर मेंबर कंट्रीज को, ये सारी चीज़ें इनोवेशन एंड एफिशिएंसी इनिशिएटिव के अंदर आता है। दीज न्यू फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर इंटेंडेड टू प्रोवाइड ADB क्लाइंट्स एंड ऑपरेशनल टीम्स विद एडिशनल ऑल्टरनेटिव्स टू हेल्प फाइनेंशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। यानी कि वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स जो कि फाइनेंशियल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, नए नए डिज़ाइन प्रोवाइड करना, मेथड सिखाना, ये सारी चीज़ें, मतलब ट्रेनिंग देना और भी अलग अलग लोगों को इन्वॉल्व करना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये थोड़ी अलग चीज़ है जो कि नॉलेज प्रोवाइड करती है और मेथड्स एंड टेक्निक्स बताती है कि कैसे हम डेवलपमेंट को ला सकें। सो ये हमारा यूनिट 3 का सेकेंड पार्ट भी खत्म हो गया, मैं आपको यूनिट 4 स्टार्ट करवाऊंगी और इसको आप पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन डिस्कस विद मी। थैंक यू।